जिनकी एक्टिंग के साथ साथ क्यूटनेस से भी लोग करते हैं प्यार। मृणाल ठाकुर है उनका नाम। वो मृणाल ठाकुर जो उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से आती हैं जिन्हें फैंस ने सबसे ज्यादा प्यार दिया। पहले लोग मृणाल को टीवी स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड एक्ट्रेस बन जाना कोई आम बात नहीं है। और मृणाल का ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा है। उन्होंने बहुत से रिजेक्शन और निगेटिविटी का सामना कर टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड एक्ट्रेस का मुकाम हासिल किया है। मृणाल टैलेंटेड तो थी ही, उन्होंने अपने टैलेंट को हार्ड वर्क से और भी निखारा। और वो कोई भी मूवी कुछ सीखने के लिए देखती थी, ना कि टाइम पास और एंटरटेनमेंट के लिए। उनकी यही हैबिट रही है कि वो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखे। मृणाल के इसी स्ट्रगल को आज हम जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे मृणाल की सक्सेस स्टोरी, साथ ही जानेंगे मृणाल के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। 1 अगस्त 1992 को नागपुर महाराष्ट्र में एक मराठी फैमिली में बहुत ही क्यूट और टैलेंटेड लड़की का जन्म हुआ, जिन्हें कि आप मृणाल ठाकुर के नाम से जानते हैं। मृणाल ने अपनी स्कूलिंग सेंट सेवियर हाई स्कूल श्री रामपुर से कंप्लीट की। उन्होंने केसी कॉलेज से बीटेक करने के साथ मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा के अलावा एक भाई मंदन ठाकुर और एक बहन लोचक ठाकुर हैं, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। मृणाल के फादर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मृणाल को बचपन से ही आदत रही है कि वो हर काम पूरी लगन से करती थी, और नेचर से वो बचपन से ही चुलबुली और फन लविंग रही हैं। मृणाल अपनी सक्सेस का राज बताती हैं कि वो अपने हर काम से कुछ न कुछ सीखती जरूर थी। साल 2009 में मृणाल ने जब 3 इडियट मूवी देखी थी, तो वो उस मूवी से इतना इंस्पायर हुई कि उन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी और एक्टिंग करियर को चुना। 3 इडियट मूवी का डायलॉग एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, उस लाइन को मृणाल ने अपना मोटो मानकर आज मृणाल ने अपनी किस्मत बदली है। मृणाल के चेहरे पर हमेशा से स्माइल रहती है, क्योंकि खुश रहना और हार्ड वर्क करना उनकी फितरत में है। बात करें मृणाल के करियर की, तो मृणाल ने बहुत से ऑडिशन दिए हैं और बहुत से रिजेक्शन भी फेस किए हैं, लेकिन अपने हर रिजेक्शन से मृणाल कुछ न कुछ सीखती थी और उसे सही करती थी। उनके इसी ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड की वजह से उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। उनका फर्स्ट रोल था खामोशी सीरियल में गोरी का। उसके बाद हर युग में होगा एक अर्जुन में वो एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, लेकिन जब वो कुमकुम भाग्य सीरियल में आई तो श्रीति झा से ज्यादा मृणाल को पसंद किया गया। कुमकुम भाग्य में इन्होंने बुलबुल का रोल प्ले किया। उनके फन लविंग नेचर की वजह से वो उस शो की जान बन गई और आगे और भी हार्ड वर्क करती रही। मृणाल टीवी शो के अलावा मराठी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं, जैसे कि विथी रांडू, हेलो नंदन, सुराज्य, ये उनकी मूवीज के नाम हैं। ये एक इंडोनेशियन सीरियल में भी गेस्ट अपीयरेंस दे चुकी हैं। इसके अलावा नच बलिए 7 और बॉक्स ऑफिस लीग में भी ये एज अ कंटेस्टेंट नजर आ चुकी हैं। मृणाल की इंडो अमेरिकन मूवी लव सोनिया भले ही बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई थी, लेकिन जिसने भी वो मूवी देखी वो मृणाल के रोल और एक्टिंग को भुला नहीं सकता। इस मूवी में उन्होंने राजकुमार राव और अनुपम खेर के साथ काम किया था, जो चांस किसी डेब्यू मूवी से मिल पाना फॉर्चून केस ही माना जाता है। मृणाल ने लव सोनिया के साथ साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सुल्तान मूवी के लिए भी ऑडिशन दिए थे, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर ने उन्हें ऑफर की थी और मृणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुल्तान मूवी के लिए आदित्य चोपड़ा एक फ्रेश फेस की तलाश में थे, लेकिन मृणाल उस टाइम अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देती थी, इसी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मृणाल का कहना है कि मूवी ऑडिशन के वो 6 मंथ्स और टीवी इंडस्ट्री से जो भी सीखा वो उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था, और वो ही आज उनके काम आ रहा है। मृणाल का मानना है कि हम लाइफ में जो भी सीखते हैं वो लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाता और कभी ना कभी काम जरूर आता है, और इसलिए उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए ली गई वॉरियर ट्रेनिंग, बाहुबली और नेटफ्लिक्स में शिवगामी के रोल में सुल्तान मूवी के लिए बनाई गई फिटनेस उन्हें सुपर 30 मूवी में काम आई। वैसे अपने ऑडिशन पीरियड में 6 मंथ्स उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया था,
और टेलीविजन के दौरान भी वो अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देती थी, उन्हें अपना गोलू मोलू फेस ही अच्छा लगता था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें डांटा और समझाया, तब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका फेस कितना प्लम्पी था। वो उसके बाद ही फिटनेस के क्लोज आ पाई। मृणाल अपने रिजेक्शन से जरा भी अपसेट नहीं थी। उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर का एक्टर सिलेक्शन मेथड बहुत पसंद आता है। वो मानती हैं कि जिस तरह से एक ऐसा एक्टर ढूंढते हैं जो उस रोल में फिट बैठे, वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है जिसे वो बहुत ही काबिलियत से निभाते हैं। मृणाल अपने किसी भी रोल को करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना ही प्रेफर करती हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने सेक्स ट्रैफिक पर बनी मूवी लव सोनिया के रोल के लिए किया था। उन्होंने अपने इस रोल को निभाने से पहले जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तो उन्हें पता चला कि इंडिया में हर रोज अराउंड 270 लड़कियां सेक्स ट्रैफिक का शिकार होती हैं, और मृणाल ने विक्टिम गर्ल से मिलकर उनकी लाइफ को फील करके उसे जीकर इस रोल के लिए एक्ट करना शुरू किया था। इसी वजह से उनकी एक्टिंग लोगों को टच कर पाई। बात करें मृणाल की लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट की। मृणाल का निकनेम गोली है और मृणाल को बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। साथ ही मृणाल को फोटोग्राफी भी बहुत पसंद है। वो जब भी कभी हॉलीडेज पर जाती हैं तो उस वेकेशन का वो पूरा एल्बम क्रिएट करती हैं। बॉलीवुड में एंट्री से पहले ही मृणाल की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग हो गई थी, क्योंकि मृणाल अपने काम के लिए इंडोनेशिया में भी जानी जाती हैं और वहाँ भी उनके फैंस हैं। मृणाल का नाम टेलीविजन राइटर शरद चंद्र के साथ भी जोड़ा गया था। शरद चंद्र ने सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, फियर फाइल्स और हॉन्टेड नाइट जैसे शोज लिखे हैं। मृणाल और शरद को काफी टाइम तक एक साथ देखा जाता रहा। दोनों नच बलिए में एक ही साथ नजर आए थे, लेकिन बाद में दोनों सेपरेट हो गए। सुनने में आया था कि उनके पेरेंट्स ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलाउ नहीं किया। मृणाल सुपर 30 मूवी से पहले एक्टर रणवीर सिंह के साथ कुछ टीवी कॉमर्शियल में भी काम कर चुकी हैं। मृणाल का ड्रीम रोल है एक मेंटली डिसेबल कैरेक्टर का रोल प्ले करना, क्योंकि उस रोल को वो अपनी लाइफ का चेंजिंग रोल मानती हैं। मृणाल ने जब सुपर 30 मूवी साइन की थी तो 4 महीने तक उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके अपोजिट मूवी में कौन सा लीड एक्टर रहने वाला है। फिर जब उन्होंने ऋतिक को देखा तो उन्हें देखते ही मृणाल बहुत इंस्पायर हुई। ऋतिक को देखते ही उन्हें एक पल का जीना गाना याद आया था। मृणाल का कहना है कि ऋतिक इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, फिर भी वो सेट पर कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। यही चीज मृणाल को बहुत अट्रैक्ट कर गई। मृणाल की मां ने उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले कहा था कि ग्लैमरस रोल की जगह ऐसी मूवी चूज करना जिससे तुम्हारी पहचान बने, और मृणाल ने ऐसा ही किया। उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की जगह लव सोनिया मूवी को चुना, जो कि एक नॉन ग्लैमरस मूवी थी, और इस मूवी में उनको खूब पसंद किया गया। इसके बाद मृणाल जॉन इब्राहिम के साथ बाटला हाउस मूवी में नजर आई और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। मृणाल के शाहिद कपूर के साथ जर्सी मूवी भी आई थी, जो ज्यादा कामयाब तो नहीं रही, लेकिन इसके बाद भी मृणाल के पास काफी ऑफर आ रहे हैं और उनके कई प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। सो गाइज, ये थी मृणाल ठाकुर की सक्सेस जर्नी। मृणाल आपको कैसी लगती हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीरा मेकअप लगा रही है क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता? उल्टा जवाब देती है।